बच्चों स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 16 सम, याद रहे, वन मार्क वाले प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, एक के बाद a। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि इट इज गिवन दैट k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर इन एपी बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात की है। तो इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार देखो ए बी सी जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब वो एपी में होंगे, इसका मतलब क्या, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस बराबर। तो वैसे ही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही तो आपको कॉमन डिफरेंस का प्रॉपर्टी है। बेसिकली कॉमन डिफरेंस ऐसे ही तो निकाला जाता है, लेकिन सिंस वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी में है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे दोनों के केस में। सो अभी सिंपल है, 2k माइनस 1 माइनस है तो अंदर जाके ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। और वैसे 2k प्लस 7 माइनस, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया तो 2k प्लस 1, तो ये 2k 2k कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में। तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस k माइनस 9 माइनस 10 माइनस k इज इक्वल टू प्लस 7 प्लस 1 विच इज 8 माइनस 2k। अब क्या करेंगे, माइनस के देखो माइनस 2k इधर लेके गया तो प्लस 2k हो गया, और ये माइनस 10 को इधर लेके गया तो प्लस 10 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या है, 2k माइनस k मतलब पॉजिटिव k इक्वल टू 18 एंड हेंस k का वैल्यू 18 आ गया। इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, ठीक है। चलो अब हम 17 सम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।